लेकिन ये अपने पूंजीपति मित्रों का 11 लाख करोड़ रुपया माफ कर देते हैं, राइट ऑफ कर देते हैं। उसके लिए पैसा है, यही अच्छे दिन है ना। कौन सा देशभक्ति? देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करवा देना देशभक्ति है क्या? जिस संस्था को, RSS को, राष्ट्रीय स्वयंसेवक को ये लोग अपना आदर्श मानते हैं, उसे राष्ट्रप्रेम सिखाएं। रिक्शा चलाने वाले जो 300 रुपया चलाते हैं, 1150 रुपये में सिलेंडर कहाँ से लेंगे? सबका साथ और चंद लोगों का विकास। महागठबंधन के द्वारा प्रतिरोध मार्च आज निकाला जा रहा है। बढ़ती महंगाई के खिलाफ तमाम जो युवा हैं वो सड़कों पर उतरे हैं और आप देख सकते हैं दूध का जो प्लास्टिक है जिसमें दूध पैक होकर आता है वो अपने गले में टांगा है, नींबू का हार है और सर पर सब्जियां। इनसे हम बातचीत करेंगे, आखिर आप जो सड़कों पर उतरे हैं ये तमाम चीजें आपने लटका रखा है, उद्देश्य क्या है? देखिए, आज इतिहास गवाह है कि आज़ादी के बाद पहली बार खाद्य सामग्रियों पर टैक्स लगा, कफन पर टैक्स लगा, स्टेशनरी के सामानों पर टैक्स लगा। सरकार क्या कहती है? महंगाई बढ़ रही है क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन ये अपने पूंजीपति मित्रों का 11 लाख करोड़ रुपया माफ़ कर देते हैं, राइट ऑफ कर देते हैं। उसके लिए पैसा है, 20 लाख करोड़ का विस्टा प्रोजेक्ट बनाते हैं केंद्रीय विस्टा, इसके लिए पैसा है। आप बताइए, जो सरकार ये कहा करती थी कि 2 करोड़ प्रत्येक साल रोजगार देंगे, मरने पे नौबत आ गया, मरने पे आतुर हैं। और ये अपने दोस्तों का एक मित्र, इनका 4 लाख करोड़, 4.5 लाख करोड़ रुपया सिर्फ अडानी का माफ कर दिया जाता है। अच्छे दिन। क्यों अच्छे दिन? यही अच्छे दिन है ना, यही अच्छे दिन है ना कि 90 RTI का RTI जब रिपोर्ट मांगती है RBI से कि केंद्र सरकार ने आपके बैंक से कितना घोटाला किया, तो 90,000 करोड़ रुपया ये RTI मांगी है, हम नहीं, RBI जवाब दी है। ये जेम्स का नहीं है, इसलिए जेम्स का मत चलाइएगा, RTI का चलाइएगा, पूरा डेटा है, पढ़ लीजिएगा। तो सभी के दिलों में जगाई ना सरकार। अरे भाई, कौन सा देशभक्ति, कौन सा देशभक्ति? देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करवा देना देशभक्ति है क्या? राष्ट्र प्रेम किसे कहते हैं? जिसे पहले तो राष्ट्र प्रेम उसे सिखाएं जिसे ये लोग अपना आदर्श मानते हैं। जिस संस्था को, RSS को, राष्ट्रीय स्वयंसेवक को ये लोग अपना आदर्श मानते हैं, उसे राष्ट्रप्रेम सिखाएं कि 2002 तक उनके कार्यालय में तिरंगा झंडा तक नहीं फहरा, और 2001 में जब 3 युवा उनके कार्यालय में झंडा फहराने जाते हैं तो उन्हें FIR कर अंदर ठेल दिया जाता है। वो राष्ट्रप्रेम हमें सिखाएंगे। अच्छा, आपके साथ हैं क्या, इनका सब्जी बिछवा रहे हैं आप लोग? सब महंगाई पे है तो हम लोग प्रदर्शन तो उतरेंगे ना रोड पे, हम लोग युवा हैं तो आज हम लोग युवा होकर रोड पे भटक रहे हैं। रिक्शा चलाने वाले जो 300 रुपये चलाते हैं, 1150 रुपये में सिलेंडर कहाँ से लेंगे? यही BJP वाले लोग 350 रुपये सिलेंडर थे तो रोड पे कहते थे कि महंगाई है। आप क्यों नहीं रोड पे आ रहे हैं? आज जब गरीब लोग मर रहा है रोड पे, लकड़ी लोग चुन के खाना बना रहा है, आप उसके क्यों नहीं आवाज़ उठा रहे हैं? कहाँ गए आज मोदी जी, आपका सब कुछ आज बोले हुए कि नौकरी दे देंगे, 19 लाख दे देंगे, सब दे देंगे, कहाँ गया आज आपका सब बोला हुआ चीज? आपका साथ सबका विकास नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा। कहाँ हो रहा है विकास? कहाँ हो रहा है? आप देख रहे हैं सब महंगा हो गया है। सबका साथ, चंद लोगों का विकास, सबका साथ और चंद लोगों का विकास, अडानी अंबानी इन सब लोगों का विकास। आप लोग कहाँ से आए? पटने से आए हैं। पटने से आए हैं। काशी का विरोध कर रहे हैं क्या? काशी का विरोध, महंगाई, बेरोजगारी सब बड़े, इसका सब विरोध कर रहे हैं। तमाम युवा जो हैं वो सड़कों पर उतरे हैं महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ मोर्चा खोल। सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी, बेरोजगारी सबसे बड़ा। हम लोग युवा है, क्या करें? रोजगार नहीं दे पा रहे। रोजगार कहाँ दे रहे हैं? देख रहे हैं, रोजगार है, रोजगार कम कर रहे हैं, क्या होगा बताइए आप लोग? रोजगार तो है नहीं। हम लोग पढ़े हैं, इंटर किए हुए हैं। आप कहाँ पढ़े हैं? ग्रेजुएशन किए हुए हैं। ये तमाम इंटर और ग्रेजुएशन के छात्र हैं। आईकार गुलंबर पर फिलहाल हम हैं, तमाम तस्वीरें लगातार हम अपडेट करते रहेंगे। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत सब्सक्राइब कर ले, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।